अरे भाई मेरी गलती नहीं थी। अरे मेरी क्या गलती है, पीछे से क्रीपर आके मेरे ऊपर फटा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मेरे कुछ भी नहीं किया, उसको देख ले, ये गोलम को देख ले, चीफ वाले मुंह, ये गोलम को देख ले, आई मीन सर जी वो गोलम को देखिए, आपने सारे गोलम्स को डंडे मार के शहर से बाहर निकाल दिया था और ये फिर से आ गए। आप उस वाले बंदे को क्यों कुछ नहीं कर रहे जो गोलम हर एक जगह पे समन कर रहा है, सारा गुस्सा मेरे पर ही उतारा जा रहा है। भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरा एक्सपी गया, मेरा सामान गया, उसका कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सारा गुस्सा मेरे ऊपर, मनुष्य बंदा है ये चीफ मेरे को लगता है। तो ये लीजिए पूरा सामान मेरे को, अभी मेरे को फिर से यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे बिल्ड कर दूंगा। पता है क्या हुआ गाइस, यहाँ पर एक क्रीपर आया तो वो क्रीपर बिल्कुल मेरे पीछे फट गया और सारा नुकसान उसने यहाँ पे कर दिया। और चीफ बिल्कुल अभी गुस्सा है, वो बोल रहा है कि सारा नुकसान तेरी वजह से हुआ है, आप लोग केयरफुल तरीके से गांव के अंदर घूमते नहीं हो, यहाँ वहाँ भागते रहते हो। बस एक बात तो एकदम सही है उसकी, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। तो इसके दौरान वो क्रीपर आया, हमें पता भी नहीं लगा क्रीपर कहाँ से आया और कहाँ को चला गया, एकदम से पीछे से आके फट गया। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास सामान तो बहुत सारा है, मैं यहाँ पे फटाफट से अपने जो है रिपेयरिंग वगैरह कर लेता हूँ यार। तो लीजिए गाइस हमारी रिपेयरिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है, अभी मुझे वेट करना है कि ये ग्रास थोड़ी बहुत एक्सपैंड हो ताकि मैं अपना बोन मिल यहाँ पे मार सकूं। वैसे ठीक लग रहा है यार, बाकी सेटिंग जो है बाद में कर लेंगे, ये खड़ूस चीफ को नजर नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ, ये जो बाकी का सामान मेरे हाथ में बचा है ना, मैं इसके मुंह पे मार के आता हूँ, उसको बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे ऊपर गुस्सा करने से पहले 2 बारी सोच लिया, मेरी गलती नहीं थी। ये ले खड़ूस चीफ, ये ले उठा भी रहा, बेवकूफ उठा भी रहा है। बट एनीवेज हमारे गांव का चीफ बहुत अच्छा। अब लॉगी कहाँ चला गया, उसको मुझे ढूंढना है, कहाँ पे है लॉगी? ओ मामा कहाँ से आ रहा है यार, शेट यार, इसको मैंने बोल कर रखा था, गांव के बंदे एकदम कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा गांव के अंदर, सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे हैं, मेरे को जाके घास काटनी पड़ेगी ताकि इन भूखेड़े गांव वालों को मैं खाना टाइम से दे सकता हूँ। ये देखो दरवाजे के अंदर तुम लोगों को घुसना, कैसी आंखें इसकी बन चुकी हैं यार, नो निकलो यहाँ से, मैंने घुसों ने मार देने तेरे को, ये पर्पल केप पहन के खुद को बहुत पीस बार खान समझ रहा। थोड़ा आगे हो जा, थोड़ा आगे हो जाओ भाई, तुमने ओ भाई साहब दरवाजा खोलने के लिए ट्रेनिंग देनी, टूट जाएगा मेरा दरवाजा यार, घुस लो, फंस लो दरवाजे के अंदर। अच्छा तुम क्या बेच रहे हो, अरे क्या बात है, मेरे को तो एमरल चाहिए, मेरे पास तो एमरल है नहीं। लगे तो कहाँ पर है, आ गया, कहाँ पर है तू, अरे लॉगी तेरे पास एमरल ब्लॉक है, प्लीज मेरे को दे दे यार, प्लीज लॉगी, मैं तेरे को डायमंड दूंगा। नोप, ये मैं बहुत दूर से पकड़ के लेकर आया हूँ। बहुत दूर से कौन सा बिजनेस करके लेके आया जिसको तुझे एमरल ब्लॉक मिला, जिसके कारण तेरे को वो दूसरे गांव में, हमारे लोग, मैं तेरे को डायमंड दूंगा 34 टाइम, और मैं तेरे को डायमंड का पूरा ब्लॉक देता हूँ, डायमंड का ब्लॉक वर्सेस डायमंड का ब्लॉक, मेरे पास ऑलरेडी एमरल्स हैं लेकिन मेरे को और भी चाहिए, कम ऑन दे दे यार। वो मैं ये वाला तो नहीं दे सकता, अरे दे दे मेरे को प्लीज, मैं तेरे को डायमंड दे रहा हूँ, अबे रुक, मैं घर जा रहा हूँ। जा रहा, मेरे को पता है लॉगी ये कहाँ पे रहता है, तो गाइस एक काम करता हूँ, मुझे इसके घर के अंदर जाके इसका पीछा करना पड़ेगा, मुझे ये एमरल्ड वाला ब्लॉक किसी भी हालत में चाहिए। किस तरफ गया, मुझे पक्का पता है इसका घर इस तरफ है, वो हमेशा किश्ती के अंदर से बैठ गया ना, मुझे पता है किसने एमरल्ड वगैरह कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। मैं चीकू से पूछता हूँ, ए बारूद कहाँ इस तरफ गया ना, थैंक यू बारूद, नेक्स्ट टाइम हम सारे चलेंगे और लॉगी के ऊपर हमला करेंगे। तो इस तरफ गया मैं, ओरा वो भाग के जा रहा, रुक मैं छुप छुप के जाता हूँ, आज मैंने इसका एमरल्ड चोरी करके लेके आना है। अरे बाप रे, इसका गांव तो एकदम मस्त लग रहा है यार, मेरे को छोटा होना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं एकदम से छोटा हो छोटा हो चुका हूँ, यस। अभी इसको कभी भी पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। अरे बाप रे, क्या कर रहा है अंदर, लगता अंदर बैठा हुआ गाँव वाला भी, मतलब दोनों मिली हुई है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग कर करके यहाँ पे बहुत पैसा इसने कमाया, मैं अंदर जा रहा हूँ, इसको कोई खबर ही नहीं है। अरे गाँव वाला मेरे को देख रहा है, अरे उधर देख, मैं बिल्कुल इसके पीछे आ चुका हूँ, यो अरे क्या कर रहा है, बिल्कुल मेरे सामने है मैं। ओ ये गांव वालों को क्यों मार रहा है, व्हाट द हेल, ये गांव वालों को मार दे, ए दूसरा आ चुका, अबे भाग जा, तू भी मर जाएगा इसके हाथों। अरे भाई एक दूसरा भी आ चुका है यहाँ पर, अरे मेरे को देख ले, अरे ये भी गया, शिट इसे लगता है मेरे को अभी तक नहीं देखा, गाइस बहुत छोटा हो चुका है, इसने मेरे को अभी तक नहीं देखा। और ये रहा इसका एमरल्ड का ब्लॉक, अरे कितना सारा इसके पास माल है यहाँ पे, कितना बड़ा बेड, और मैं बेड से कितना छोटा हो चुका हूँ मैन। और ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, और भाई फर्नेस के ऊपर प्लेटें भी रखी हुई है, नाइस। और मुझे ये देखना है कि इसके चेस्ट के अंदर कितने एमरल्ड हैं, अगर मैं चेस्ट खोल भी नहीं सकता, अरे मैं खोल सकती हूँ, चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस मेरे को लगता है कि ये बाहर से आएगा, ये मेरे ख्याल से गांव वाले के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, फिर और गांव वाले निकाल रहा है, फिर उनसे और एमरल्ड ले रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो एमरल्ड ये चेस्ट में जाकर छुपाने की कोशिश करेगा। तो काम करता हूँ, मैं एक फेक डिस्काइज एमरल्ड ब्लॉक बनाता हूँ और मैं बिल्कुल पूरी नजर इसके ऊपर रखूंगा। फटाफट से मेरे को यहाँ पे बिल्कुल डिटो एग्जैक्टली सेम, अरे एग्जैक्टली सेम एमरल्ड ब्लॉक बन चुका है। और इसकी एंट्रेंस में गाइस साइड से रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को लॉगी यहाँ से देख ले, और मेरे को पता नहीं है कि मुझे कितने दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आई डोंट नो। और लीजिए गाइस हमारा एमरल्ड का ब्लॉक एकदम से मस्त वाला रेडी, और मैं कितनी देर से गाइस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अगर मैं दरवाजा खोल के देखूँ तो दूर दूर तक मेरे को लॉगी नजर ही नहीं आ रहा।
यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन गांव, ए गांव वाला तुम्हें पता है लॉगी कब आएगा? ए ये तुम बता दो लॉगी कब आएगा? ये सर मत हिला, 2 किलो का सर हिला रहा है, मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ गाइस, आई डोंट सी एनी साइन ऑफ लॉगी। अरे वो आ गया, वो आ गया, होली मोली वो आ गया, शिट शिट ये क्या कर रहा है यहाँ पर? और वो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बिल्कुल गांव के बाहर घूम रहा है। एक काम करो मैं फटाफट से यहाँ पे एक छेद करके देख लेता हूँ। आ गया आ गया आ गया, मुझे लगता है ये बेड के ऊपर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तो रात भी नहीं हुई। वो गांव वाला, अरे तू निकल जा भाई, वो तेरे को मार देगा यार। वो मुझे लग रहा है इसके पास हाथ में और एमरल्ड्स भी हैं, और इसने हाथ में क्या कर रहा है, इसने चेस्ट खोला, चेस्ट कहाँ से खोला मेरे को तो नजर भी नहीं, कर क्या रहा है? अरे इसने चेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से गाइस और एमरल्ड्स रखी हुई है। ओके तो ये गांव वाला एक घर के अंदर है, पता नहीं इसके साथ क्या करने वाला, आई थिंक इसको मारेगा, आई डोंट नो कुछ। ओरे पड़ रही है गांव वालों को। तो गाइज आई थिंक मेरा आइडिया एकदम से सही निकला, ये गांव वालों को मार रहा है, उनको ब्रेड दे के फिर से उनको ब्रीड कर रहा है, उनको बड़ा करके फिर से उनके साथ ट्रेड कर रहा है। वेरी क्लेवर टैक्टिक लॉगी का। तो मेरे को लगता है गाइज कि हमें कुछ दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और मुझे कुछ दिनों के लिए अपना ये घर एकदम से पूरा सेट करना है। तो एक काम करता है, मैं सड़े हुए घर के अंदर नहीं रहूंगा, मुझे बिल्कुल सड़े हुए घर के अंदर रहना ही नहीं है, मुझे अपने लिए एक आलीशान एमरल्ड का बंगला बनाना है। तो ये होगी मेरी मेन एंट्रेंस। से काम करता हूं, मैं यहां पे 2 फ्लोर बनाता हूं, तो 1 फ्लोर यहां पे होगा, 1 फ्लोर यहां पे होगा, और ऊपर जाने के लिए मैं फटाफट से अपने लिए सीढ़ियां बनाता हूं। तो बिल्कुल सिंपल सीढ़ियां बनानी है, नियरली डन। हमारी सीढ़ियां तो एकदम से मस्त लग रही हैं, और बिल्कुल मैंने फेक एमरल्ड ब्लॉक यहां पे लगाया हुआ गाइस, और किसी को पता भी नहीं लग रहा कि ये एम्ब्रॉयड ब्लॉक असली है कि फेक है। भाई मेरे को खुद पता नहीं लग रहा कि एम्ब्रॉयड ब्लॉक असली है कि फेक है, एकदम फेक है गाइस, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहा है मेरे को। ओके तो ये रही गाइस हमारी ऊपर जाने की सीढ़ियां, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने कबाड़ा कर दिया। काम करता हूँ मैं यहाँ पे 1 लेयर इसको और दे देता हूँ, राइट देन। तो अभी लगता है हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रिपेयरिंग कर दिया। तो ये रही गाइस हमारी ऊपर जाने की जगह, एकदम झकास। तो नीचे मुझे गाइस एक छोटा सा किचन बनाना है, मुझे यहाँ पे खिड़की भी चाहिए जो ताकि मैं लॉगी के ऊपर नजर रख सकूँ, जब भी वो एम्ब्रॉयड वगैरह लेके आएगा तो जिसके ऊपर नजर रखनी है। और भाई साहब कितनी बड़ी खिड़की मैंने खोल ली है। काम करता हूँ 1 ब्लॉक ऊपर कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर भी एक बड़ी वाली खिड़की चाहिए, एकदम सुपर अल्ट्रा वाइड। अरे मेरे को तो पूरा नजारा यहाँ से मैं देख सकता हूँ यार, एकदम बढ़िया। अगर लॉगी एमरल्ड्स लेके आएगा ना तो मैं बिल्कुल उसको पकड़ लूंगा। काम करता हूँ मुझे यहाँ पे अपने लिए थोड़ा बहुत ग्लास लगा देना चाहिए, एक प्लेन हल्का सा ग्लास लगाते हैं ताकि उसको पता ना लगे। मैं काम करता हूँ मैं ग्रीन ग्लास लगाता हूँ ताकि बिल्कुल भी उसको पता ना लगे कि एमरल्ड है कि ये फेक एमरल्ड है कि ये रियल एमरल्ड है। ओके तो नीचे हमारी बनेगी किचन, तो किचन में बनाऊंगा लकड़ से। तो मैं यहाँ से फटाफट से मैं अपनी वुड ले लेता हूँ, आई थिंक ये व्हाइट कलर के प्लैंक एकदम से सही होंगे। तो ये है हमारा किचन का काउंटर, यहाँ से शुरू होगा, बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, क्या बात है। और मुझे किचन के काउंटर के ऊपर ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो वी नीड सम डार्क ओक वुड, नॉट डार्क ओक वुड, वी नीड डार्क प्लैंक्स। तो ये रहा गाइस मेरा कुकर जिसके ऊपर हम मस्त वाली दाल राजमा चावल यहाँ पे बनाएंगे। और मुझे यहाँ पर रखने हैं, एक काम करता हूँ गाइस, एक मस्त तरीका आया, मुझे यहाँ पे फायर भी बनानी है, और फायर के लिए गाइस मेरे को चाहिए रेड ग्लास। तो नीचे होगी हमारी कुकर थरा रेड, और ऊपर से निकलेंगे ब्रो एकदम से येलो वाले फ्लेम्स धासू यहाँ पर। और ये देखिए एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है। और मेरे को यहाँ पे गाइस अपना सामान ठंडा रखने के लिए मुझे एक फ्रिज भी चाहिए, और फ्रिज में बनाऊंगा कौन सा ग्लास यूज करूँ, आई थिंक फ्रिज के लिए मेरे को चाहिए ब्लू लाइट ग्लास। एकदम से यहाँ पे फ्रिज बना देता हूँ फचैक, और हैंडल ये देखिए बिल्कुल एकदम अपने हाथ के साथ एकदम मैचिंग सी हैंडल यहाँ पे बन रही है। और मुझे ऑब्वियसली लाइट भी चाहिए, और लाइट के लिए मैं यूज करता हूँ सी लैंटर्न, एकदम से मस्त कलर की फैशनेबल लाइट आएगी। तो काम करता हूँ मुझे अपने लिए, मेरी हाइट तो गाइस आपको पता है बहुत छोटी हो चुकी है इस गेम के अंदर, मैं बहुत पिद्दी हो चुका हूँ भाई, देखो कितना बड़ा ब्लॉक है। और लॉगी तो नहीं आया कहीं, आई डोंट थिंक कि लॉगी भी आया है। तो ये रहा गाइस मेरा स्टूल और मेरी छोटी सी लाइट जिसके ऊपर खड़ा होकर मैं अपना खाना पीना कुक कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर अपने लिए एक बर्तन धोने की जगह भी बनानी है, और इतनी जगह ठीक होगी, एकदम मस्त लग रहा है। तो ये है हमारी मॉडर्न जमाने की बर्तन धोने की जगह। थोड़ा बहुत कबाड़ा मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं बाद में, अरे और कबाड़ा हो चुका है यार, मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत कबाड़ा हो चुका है, लेकिन नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही कपड़ा यहाँ पे कर दिया है मैंने। बट एनीवेज मुझे यहाँ पर एक छोटी सी अपने लिए चिमनी बनानी है, चिमनी के लिए मैं यूज करूंगा अपना ये कॉबलस्टोन। कहाँ पर है कॉबलस्टोन, आजा कॉबलस्टोन आजा। तो लीजिए बिल्कुल चिमनी, अरे मैंने गलत जगह पर चिमनी लगा दी, बर्तन धोने की जगह पर कौन चिमनी लगाता है। बट एनीवेज ये है हमारा टीवी, तो लीजिए ये बिल्कुल किचन के अंदर टीवी, यहाँ पर हम खाना बनाएंगे, यहाँ पर हम टीवी देखेंगे, हम ऐसी टीवी देखते हैं, ठीक है, हम ऐसी टीवी देखेंगे, यहाँ पर खाना बनेगा और यहाँ पर टीवी देखेंगे हम। ओके तो यहाँ पर मैं एक और अपने लिए जगह खड़ी होने की बता देता हूँ। तो ये रहा गाइस मेरा छोटा सा क्यूट सारा किचन, और मुझे यहाँ पर एक बेड भी बनाना है। और ओके बेड बनाने के लिए गाइस मेरे को चाहिए ऑब्वियसली प्लैंक्स, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एकेशिया प्लैंक्स। एक मैंने यहाँ पे रखना ऐसे,
और एक मैंने यहाँ पर रखना ऐसे, बिल्कुल शाही बेड बनेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि गाइज मैंने बहुत टाइम से एक पिंक वाला बेड नहीं बनाया, तो आई एम गोना मेक माई सेल्फ ए पिंक बेड, बहुत ही छोटा पिद्दी पिंक बेड। वो तेरी क्या लग रहा है हमारा पिंक बेड यार। एक काम करते हैं, पिंक बेड के ऊपर मैं यहाँ पर हल्की सी तकिया भी रख लेता हूँ और यहाँ से तकिए से लाइट भी आएगी, मस्त लग रहा है। और मुझे पीछे से मैंने डेकोरेट नहीं किया, तो एक काम करते हैं यहाँ से थोड़े बहुत और मैं कौन, अरे गोल्ड का ओर से मैं डेकोरेट करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर रख के ना बिल्कुल ये देखो एकदम शाही बेड मेरे को लग रहा है। और शाही बेड के साथ तो गाइस एक शाही टीवी तो बनता है ना, और शाही टीवी बनाने के लिए गाइस मेरे को डायमंड चाहिए। ये सब फेक है, लोगों को बिल्कुल पता भी नहीं लगा कि हम फेक ब्लॉग उसके घर के अंदर रखा हुआ है, लिटरली फेक ब्लॉग रखा हुआ है। और डायमंड टीवी अंदर से मैं खोखला करके इसके अंदर से मैं हल्की सी वुल लगा लेता हूँ। अरे मेरा टीवी तोड़, मैं खुद का टीवी तोड़ रहा हूँ खिड़की बन चुकी है। और ये यहाँ पर हमने लगा दिया वुल, क्या बात है। ये है गाइस पूरे आधे इंच का, लोगों के घर में मैंने देखा 50-50 इंच की टीवी लगी होती है, लेकिन हमारे घर में आधे इंच का टीवी। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अलमारियां भी मैंने लगा दी हैं, तो ये रहा हमारा छोटा सा लॉकर। और टीवी के नीचे मैं सोच रहा हूँ कि एक पिंक अंडरले कर लूं, वाओ एकदम बढ़िया लग रहा है यार। और एक बार फिर से गाइस मेरे को यहाँ पे कमरे के अंदर लाइट भी चाहिए, और लाइट के लिए एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ कि सी लैंटर्न यूज करूं। भाई सी लैंटर्न से एकदम मस्त नेचुरल लाइट आती है, यो भाई एकदम मस्त लग रहा है मेरे को तो यार। और काम करता हूँ दरवाजे पर कोई है, मैं काम करता हूँ ये जगह तोड़ देता हूँ और देखता हूँ कि कौन आया है मेरे घर के अंदर। आई थिंक इज आर लॉगी इज दैट टूट जा इज आर, अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं, लेकिन दरवाजा ये रहा, उसको तो बिल्कुल पता भी नहीं है उसको। अरे मुझे फटाफट से ग्लास निकालना होगा, मेरे को लगता है कि ये फिर अपने ब्लॉक के अंदर अपने चेस्ट के अंदर बहुत सारे डायमंड्स एमरल्स डाल रहा है, सॉरी मेरे को एमरल्स चाहिए। एक काम करता हूँ मुझे फटाफट से ये जगह ये ब्लॉक कर देनी चाहिए ताकि उसको पता ना लगे कि अजीब सा छेद कौन सा। अरे फिर से जा रहा है, फिर से गया ये, अरे कितने एम्ब्रेस चोरी करने की कोशिश कर रहा है। I don't know, यार ये कितने एम्ब्रेस चोरी, एम्ब्रेस चोर है पूरा लॉग ही तो। ओके वैसे आई डोंट थिंक ये एम्ब्रेस चोरी कर रहा है, इसने खरा बहुत ही जबरदस्त बिजनेस निकाल कर रखा। ओ भाई ये दरवाजे पे कौन है, मुझे लग रहा है पागल गांव वाले फिर से आ चुके होंगे। तो ये गाइस हमारे छोटी बहुत डेकोरेशन की करने की जगह, एकदम मस्त लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तो हल्के हल्के मैंने यहाँ पे बटन लगा दिए हैं और बिल्कुल मस्त एकदम सेटिंग हमारी पूरी बैठ चुकी है। एक यहाँ पर ही मैं ऐसे लगा देता हूँ और क्या बात है, एकदम छोटा सा क्यूट सा घर हमारा बन चुका है। तो हल्का सा टूर मैं आपको करा देता हूँ जिससे पहले कि लॉगी है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से देखता हूँ कि चेस्ट के अंदर है क्या। 3 एमरल्ड, क्या बात है, मुझे लगता है ये मैंने क्या कर दिया। अरे उसने अच्छा होकर देखा नहीं, हमारा ये यहाँ से बाहर निकल चुका है ग्लास। ओ माय गॉड, फटाफट से तोड़ो इसको, आई गॉट लकी भाई। ओके एनीवेज, तो 3 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे तोड़ दिए, आई मीन 3 एमरल्ड्स मैं उसके चेस्ट के अंदर चोरी करके लेके आ चुका हूं, उसको पता नहीं है। फिर से आ रहा है, यस अभी और एमरल्ड लेके आएगा। पूरा ब्लॉक रख दियो, प्लीज 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 पूरा ब्लॉक रखियो। ओके तो यहाँ पर सो रहा है यार। अरे भाई साहब इतना अमीर है कि बिल्कुल एमरल्ड ब्लॉक इसने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ, आंखें खोल के सो रहा है। अजीब सा टीवी है, आंखें बंद करके सोते हैं बेवकूफ है, आंखें बंद करके सोते हैं। अरे ब्लॉक मेरे को दे दे प्लीज, मेरे को दे दे। अरे यार इससे पहले कि ये सुबह हो और ये उठ जाए, गांव वाले हट जाए, तेरे बेड पर वो सो गया, देख तेरे को शर्म भी नहीं है, तेरे बेड पर वो सो चुका है। इससे पहले कि वो उठे मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। ए मुझे लग रहा है गाइस सुबह हो चुका है, लॉगी उठ चुका है। अरे गांव वाला बिल्कुल घर के अंदर है। अरे मेरी तरफ मत देख, ये गांव वाला क्या कर रहा है। अरे मेरी तरफ मत देख, ओ माय गॉड क्या देख रहा है गांव वाले। उसने गांव वाले ने मेरे को पकड़वा दिया यार। ओए नो ये क्या है, सॉरी मैं यहां पर नहीं हूं। कौन सा ब्लॉक है यार? अरे मैं यहां पर नहीं हूं, शिट मैं बैठ के छुपने की कोशिश कर रहा हूं, उसने मेरे को देखा। अरे नहीं मेरा घर टूट जाएगा क्या। ओ माय गॉड ये क्या है यार, ए कैसे हो। अरे वो मेरा था, वो मेरा था यार। अरे मेरा पूरा घर तोड़ दिया, अबे मेरा पूरा घर तोड़ दिया। नहीं अरे ये मेरा सीक्रेट बेस था यार। अरे मेरे को, अरे प्लीज वो मेरा घर था यार। और ये गांव वाला तेरी वजह से मैं पकड़ा गया, तेरी वजह से मैं पकड़ा गया। ओ तेरी, ओ भागो, अरे भागो शिट, अरे मैंने पूरा दरवाजा भी तोड़ दिया एक हाथ से, भागो नहीं भागो। मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से बड़ा होता हूँ, आई एम गोइंग बाय बाय। कहाँ गया, लग गया मेरे को पकड़ नहीं पाएगा। मैंने 3 डायमंड, और अच्छा मेरे एमरल्ड वापस, ये ले मेरे को छोड़ दे प्लीज, मेरे को छोड़ दे, ये मैंने 3 एमरल्ड तेरे लिए फेंक चुके हैं, उठा ले। तो मैं निकलता हूँ गाइस, हमारी चोरी एकदम से पकड़ेगी, हमारा प्लान एकदम से फेल हो चुका है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।